हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। मैं भी जिम से आई हूँ और अब सोच रही हूँ थोड़ी देर सो जाऊँ, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। क्योंकि थोड़ा दिन से डाइटिंग पे चल रही हूँ, इसलिए खाना वाना कम ही खाया है। तो एक घंटा सो के फिर निकलते हैं सैलून के लिए, फिर मिलते हैं सैलून पर जाके आपको। तब तक मोनी आ जाएगी, कुछ खाना वाना बना देगी, तो आज खाना खाएंगे भाई। दो तीन दिन हो गए खाना खाए भी। इससे पहले मैं थोड़ा सा दूध लूँगी। ये देखो, मैं थोड़ा सा दूध लिया है। इसको फिर गैस पे रख देंगे गर्म करने के लिए। ठीक है, अब इसको गैस पे रखा है गर्म करने के लिए। अब इसमें डालूंगी हल्दी। अब इसके अंदर हल्दी ऐड ऑन करनी है, उसके बाद शुगर। देखिए ठंडा हो गया, इसके फेस पे लगा के और फिर इसको रगड़ के उतारना है। आपके जो फेशियल हेयर हैं वो भी रिमूव हो जाएंगे इससे। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे शहद। अब इसके अंदर ऐड करेंगे कॉफी। इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दो ठंडा होने के लिए, उसके बाद अपने फेस पे लगाओ। और 15 मिनट या 20 मिनट आप उसको छोड़ो और फिर उसको उतारना। बहुत अच्छा एक नेचुरल ग्लो देगा, बहुत ही अच्छा। एक बार ट्राई ज़रूर करना। एक बार ये ठंडा हो जाता है फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ क्या कहते हैं इसको लगा कर फिर इसका उतारने का। मैं हो गई हूँ तैयार और मोनी ने अपना सारा काम ख़त्म कर लिया आज। अगर जल्दी जल्दी में खाना भी खिला दिया बना के। आज लाइट नहीं है अभी घर पे, क्योंकि कल इन्वर्टर ख़राब हो गया था और लाइट जाती है जब इन्वर्टर हो जाता है। बाहर आ जा। तो आज लाइट है नहीं। ले आज इनको कुत्तों को ब्रेकफास्ट नहीं करवाया था, अभी डाल के आई हूँ। कि ये भी बेचारे वेट कर रहे थे कि कब डालेंगे। अब निकल रहे हैं सैलून के लिए, वहाँ जाके देखते हैं। आज हेयर में भी कुछ करवाते हैं। बहुत ज़्यादा रफनेस आ गया क्योंकि कल बारिश में भीग गई थी उसकी वजह से। तो आज इको प्लास्टिक करवाएंगे, उससे ये कि कुछ ठीक हो जाएंगे। नैनो प्लास्टिक से तो कुछ फ़र्क पड़ा नहीं, जैसा करवाया था वैसे के वैसे हेयर है। तो आज इको प्लास्टिक ये देखो भाई, दो तीन तीन बंदे लगे हुए हैं। मेरे हेयर के हालात देखो क्या कर दिया। ऊपर से मेरा कान पकड़ा रखा। मैंने तो वैसे भी पकड़ लिए क्योंकि हाँ परेशान इतनी हो गई सुबह से, इतना बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा। सिंग निकला है। हम लोग आ चुके हैं आंटी के पार्लर पे और अब माइक चेक करके देख रहे हैं। हमारे फोन में तो चल नहीं रहा, तो आंटी के फोन में ट्राई करके देख। पहचानो भाई इसको, कौन है ये? अरे मैंने नहीं पहचानेंगे। वाह, ये कौन सी ड्रेस थी? ये रात की है। अच्छा, ये रात की ड्रेस है। अरे वाह, नमस्ते बेटा। भाई मार्केट, क्योंकि मेरे को थोड़े से सूट खरीदने हैं गांव के लिए, घर भेजने हैं उनके लिए जा रही हूँ। और क्या कहते हैं, ये इसलिए बांध लिया क्योंकि प्रेसिंग अभी हुई नहीं है। अभी ऑफ ट्रीटमेंट मेरा रहता है, तो इसलिए उसके बाद आके मैं प्रेसिंग करवाऊंगी, क्योंकि सूट लेने ज़रूरी है घर भेजने।
तो सूट लेके, और आज कल क्या शॉपिंग करते हैं, और भी बहुत कुछ लेना है तो आप लोगों को दिखाते हो। मेरे को बोला ही गया, मैंने मेरे लिए नहीं लेने, आपको पता, जब मैं लेने आती हूँ मैं वैसे ही देखे चली जाती हूँ। तो आपको स्पेशल ऑफर में दे रहे हैं जी, वो तो क्या होता है कि ग्राहक देखा जाता है साल भर नहीं बोलता, तो वो कम से कम इसीलिए तो दिन पर बोलता था, मना भी नहीं करते जी, क्योंकि किसी और के लिए लेके जाना तब कंफ्यूजन होगा। अच्छी दे देंगे ना उसका, ये भी घर का ही है, उसमें से है, उसमें से ये तो महंगा है। कॉटन का दुपट्टा आज पहुँचे, अभी बकर भाई आज बहुत ज़्यादा थक गए थे, क्योंकि वो आया हुआ था एक प्लास्टिक वाला, तो उससे ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी मैं, तो अपने हेयर पे करवा के आगे कभी कुछ नहीं करवाऊँगी। तो इसके साथ आज के ब्लॉग का एंड करते हैं, मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक मेरे ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दीजिए, लाइक दीजिए, सब्सक्राइब दीजिए, थैंक यू, गुड नाइट।